हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें एसटीवी हरियाणा न्यूज। फतेहाबाद नगर परिषद में उस वक्त एक अजीब स्थिति पैदा हो गई जब पार्षद और चेयरमैन कमीशन खोरी को लेकर भिड़ गए। नमस्कार, स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज पर। आप देख रहे हैं खबर गरम है और मैं हूं आपके साथ मनीषा झा। फतेहाबाद नगर परिषद में उस वक्त एक अजीब स्थिति पैदा हो गई जब पार्षद और चेयरमैन कमिश्नर खोरी को लेकर भिड़ गए। उसके बाद जो तस्वीर सामने आई उसे देखकर हर कोई हैरान रह गया। जब यह हंगामा हो रहा था उस दौरान बीजेपी विधायक टूडर राम भी मौजूद थे, लेकिन लड़ाई जारी रही। फतेहाबाद नगर परिषद में उस वक्त एक अजीब स्थिति पैदा हो गई जब पार्षद और चेयरमैन कमीशन खोरी को लेकर भिड़ गए। उसके बाद जो तस्वीरें सामने आई उसे देखकर हर कोई हैरान रह गया। जब यह हंगामा हो रहा था उस दौरान बीजेपी विधायक दूड़ाराम भी मौजूद थे, लेकिन लड़ाई जारी रही। हंगामे और गर्मा गर्मी की तस्वीरें फतेहाबाद नगर परिषद की है, जहां हाउस मीटिंग में कमीशन खोरी और वार्डो में लगने वाले बेंच को लेकर बवाल हो गया, जिसमें पार्षद वजीर जाखड़ और नगर परिषद के चेयरमैन दर्शन नागपाल आपस में भिड़ गए। मीटिंग में पहली बार पहुंचे फतेहाबाद के विधायक दूड़ाराम के सामने ही दोनों में जमकर तू तड़ाक शुरू हो गयी। हाउस मीटिंग शुरू होते ही सबसे पहले नगर परिषद के एक्सिन और नगर परिषद चेयरमैन दर्शन नागपाल के बीच वादों में लगने वाली बेंच को लेकर हंगामा शुरू हो गया। इसी दौरान वार्ड नंबर 14 के पार्षद वजीर जाखड़ ने कमीशन खोरी का मुद्दा उठा दिया और कई अन्य पार्षद भी उनके साथ खड़े हो गए। इसके बाद पार्षद और नगर परिषद चेयरमैन दर्शन नागपाल के बीच जमकर हंगामा हुआ। बात हाथापाई तक पहुंच गई। इसी दौरान विधायक दूड़ाराम और अन्य पार्षदों ने मामले को शांत करवाया। पार्षद वजीर जाखड़ ने कहा कि फतेहाबाद नगर परिषद में कुछ पार्षदों द्वारा अपनी मनमर्जी से विकास कार्य करवाए जा रहे थे। उन्होंने आरोप लगाया कि नगर परिषद के ठेकेदारों को भी पहले परिषद में कमीशन देना पड़ता है और उसके बाद उन्हें ठेका मिलता है। इसी मुद्दे को आज उन्होंने उठाया, जिस पर चेयरमैन भड़क गए। पार्षद ने बताया कि आज बीजेपी विधायक दूड़ाराम पहली बार मीटिंग में पहुंचे थे। उनके सामने पार्षदों ने कमीशन खोरी और समान काम ना होने की समस्या रखी। पार्षद वजीर जाखड़ ने कहा कि विधायक जी ने आश्वासन दिया है कि अगली बार से इस तरह की कोई समस्या सामने नहीं आएगी। कुछ पार्षदों ने अपने पर्सनल स्वार्थ को यूज करके अपने निजी रिलेशन को निकाल के ये काम करवाया। मैं तो ये मानता हूँ कि अगर किसी एक वार्ड का काम हो तो समान रूप से सभी वार्डों का विकास होना चाहिए। कमीशन खोरी के मामले में अब अकाउंट्स के ब्रांच के जो है वो उनके चेक रोक देते हैं, पहले कमीशन दो फिर करेंगे। ये तो सदियों से चला आ रहा है इसको। आप वो सामने आने से डर रहे हैं क्योंकि उन्होंने काम करना है। आप उनसे पर्सनली अगर आप मिलो तो आप उठाइए नहीं मुद्दे ये सारे। हम बिल्कुल उठाए और अगले मीटिंग के अंदर इनका पूर्ण तरीके से स्पष्टीकरण मांगा जाएगा, क्योंकि विधायक जी ने कहा कि मेरे नॉलेज में ये मुद्दे पहली बार आए हैं, अगली बार आपको ये मुद्दे बिल्कुल क्लियर मिलेंगे। वहीं इस मसले पर बोलते हुए बीजेपी विधायक दूड़ाराम ने कहा कि सभी वार्डों में समान काम करवाया जाएगा। उन्होंने कहा कि विधायक बनने के बाद पहली बार उन्होंने पार्षदों के साथ मीटिंग की है। साथ ही विधायक जी ने आश्वासन दिया कि आने वाले दिनों में सभी पार्षदों की समस्याओं को खत्म किया जाएगा। जो समस्या थी कि लाइट की, पानी की, बिजली की, वो इस मुद्दे पर चर्चा हुई है और कोशिश होगी कि वो जल्दी से जल्दी करने की कोशिश होगी, ठीक करें लाइट का, सड़कों का। हमारा फतेहाबाद में सारे समान विकास होगा, इसी प्रकार का फतेहाबाद सभी, चाहे कोई वार्ड है
सब वार्डों में हर प्रकार जो जहाँ कमी होगी उसको पूरा करेंगे। कानून के अंदर होगा वही होगा, जो गैर कानूनी बात होगी उसको खिलाफ कार्रवाई होगी। कोई होता है फतेहाबाद में कमीशनखोरी का मसला पहले भी उठता रहा है, लेकिन इस मसले पर चेयरमैन की ओर से कोई ठोस कार्रवाई नहीं होने पर पार्षद भड़क गए और उसके बाद जो हुआ उसको पूरे हरियाणा ने देखा। अब आप अंदाजा लगाइए कि जिन पार्षदों को आपने अपनी समस्याओं के निदान के लिए चुनकर भेजा है, वही पार्षद अगर लड़ाई करेंगे तो आपकी आवाज कौन उठाएगा और आपकी समस्या कौन खत्म कराएगा। फतेहाबाद से साहिल की रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। पिछले वीडियो में